सरकार की। आप जुलाई यहाँ हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी आए हुए हैं, आज बड़ा प्रोग्राम यहाँ जो क्रिकेट कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए मैं ये कहता हूँ जितने भी यहाँ के क्रिकेट प्रेमी हैं उन सभी का सबसे मेन चीज तो ये है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप मेरे मीडिया प्रभारी हैं, आपका भी मैं मतलब सबसे पहले आपका ही मैं आपका मतलब सबसे बड़ा दर्शक इतने जितने भी हैं इनका आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी कोई भी खिलाड़ी सही जितना भी है जो भी आता है वो यहाँ पर खिलाड़ी जो है कार्यकर्ता है या कोई भी है क्रिकेट प्रेमी है वो दर्शक में छाप छोड़ जाता है, दर्शक में छाप छोड़ जाता है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पर 40 रन थे करण जी ने मतलब करेली की टीम ने बनाए थे, अब करेली की टीम ने ये बनाए थे, तो मैं ये उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, अच्छी जिंदगानी आपकी, काम अच्छे किए हैं, अच्छी जिंदगानी आपकी, दर्शक भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। कोई भी खिलाड़ी है वो अपनी छाप छोड़ जाता है। और ये भी मेरे छोटे छोटे बंधु हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, मीडिया प्रभारी हैं और सभी हैं। हालांकि यहाँ पर यशु गुप्ता जी आए हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख जी हैं, यशवंत जी हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और हर साल यहाँ पर यशवंत जी हैं, वो यशवंत जी का मैं हर साल वो कराते हैं। मैं यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी हूँ, पटपरागंज से आया हूँ, राजकुमार गुप्ता यहाँ गुड़िया में भी शिव ट्रेडर्स के नाम से मेरी दुकान है, यहाँ पर शिव धर्मकांटा भी है, उसी की वजह से मैं यहाँ पर डट रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया प्रभारियों का, और आप सभी लोग मेरे लिए इस मामले में आगे से आगे सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद दीदी। और ये सबसे बहुत अच्छा धन्यवाद है साहब, बहुत ही बढ़िया सर आपके लिए, मैं सभी आपको जो क्रिकेट प्रेमी हैं, आइए हम उनसे भी जानेंगे आंवला में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर यहाँ जो दर्शक हैं क्या कहते हैं, आइए हम उनकी भी जानेंगे उनका क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर, वो क्या सोचते हैं। देखिए जो क्रिकेट प्रेमी हैं हम उनसे भी बातचीत कराते हैं। क्या नाम भैया आपका? राम उतार जी। कहाँ से आए हैं? चंदूपुरा से। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? खेल अच्छा हो रहा है, क्रिकेट अच्छा चल रहा है। क्रिकेट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ और भी यहाँ जो दर्शक हैं क्रिकेटर हैं, आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं, उनसे भी जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ जो दर्शक हैं प्रेमी हैं और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, हम उनकी भी राय जानेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, वो क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया? राहुल कुमार। कहाँ से हैं? यहीं बेनीपुर के नफर अलीगंज से। अलीगंज अलीगंज। कितना टाइम हो गया कार्यक्रम चलते? करीब एक इनिंग खेल चुकी है, एक इनिंग रह गई है। कब से देख रहे हैं आप? मैं शुरू से देख रहा हूँ। क्या कहेंगे आप कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है माननीय यशवंत भैया जी की तो ओर से, धर्मपाल मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी की ओर से, बड़ा रोमांच आ रहा है, बड़ा सब दर्शक बैठे हैं, हजारियों में संख्या है और बड़ा रोमांच आ रहा है मैच देखने में। देखिए और भी कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जो क्रिकेट का स्टेडियम है, जो क्रिकेट का मैदान है, बड़ी संख्या में यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो आए हुए हैं, आइए हम उनकी भी राय जानते हैं इस क्रिकेट को लेकर। जी। क्या नाम है? जुबैर खान नाम है, शहबाजपुर से बिलोंग करता हूँ और फ्रॉम बीटीसी। हम तो भाई खेलम की तरफ से आए हुए हैं, अपने हमारे रिश्तेदार हमारे करीम भाई खेल रहे हैं, तो अब इस टाइम तो बहुत रोमांचक मैच चल रहा है, बहुत टफ हो गया है और दोनों तरफ। आप कौन सी टीम की आप जीत चाहते हैं? हम सपोर्ट अपनी खेलम की टीम की चाहते हैं। देखिए और भी यहाँ जो कार्यक्रम के जो प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं इस क्रिकेट प्रोग्राम को लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम है? माय नेम इज यूनुस खान जी। सर हम तो इसीलिए आए हुए हैं कि हमारे लिए आसी बना है, क्या अभी ये नो बॉल थी तो इन्होंने नो बॉल नहीं दी, प्लस हम तो खेलम के तरफ से आए हुए, हम तो सोचते हैं खेलम जीते। बाकी आपके लिए थैंक यू भाई साहब।
देखिए और भी यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी हैं, आइए हम उनकी भी राय जानते हैं। आखिर इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर, इतना जो क्रिकेट का प्रोग्राम है जो कि गौरी शंकर गुलड़िया के मैदान पर हो रहा है, क्या कहेंगे? जी सभी जो लोग दर्शक देख रहे हैं, सुनने में, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि माननीय ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई यशवंत जी जो कार्यक्रम इस IPL का मतलब करा रहे हैं, प्रारंभ कराया है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं या हम दर्शक होने ज़्यादा मनोरंजन होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र जो खिलाड़ी निकलेंगे जिनमें प्रतिभा है वो आगे जाएंगे, उनकी जान पहचान बढ़ेगी। और ये जो बरेली की टीम अभी खेल रही है, इसने बहुत ही अच्छी प्रदर्शन किया है, इसके 41 रन पे 9 विकेट थे। उसके बाद भाई करण और असलम जी आए, उन्होंने अंतिम विकेट के लिए करीब 70 रनों की साझेदारी करके मैच को फंसाया है। और अभी भी खैलम की टीम और बरेली के मतलब जो मैच है वो फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर चल रही है। और पिच के बारे में कहना चाहूँगा, वैसे हाई स्कोरर पिच है, इस पर 166 हाईएस्ट बना है इस सीजन में, लेकिन आज का जो 16 ओवर का फाइनल मैच रहा है इसमें कुछ अच्छा स्कोर रहा है लेकिन लो स्कोर रहा है। और मैच काफ़ी अंतिम पड़ाव पर जा रहा है और मुझे लग रहा है ये मैच अंतिम ओवर में अंतिम गेंद पर खत्म होगा और दोनों ही टीमें अपनी जान लगाती हुई। क्या कहेंगे आप, क्या कोई मांग करना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से, आप स्टेडियम की कोई मांग करना चाहते हैं क्या? जी मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे क्षेत्र है जो आंवला विधानसभा 126 से हम आते हैं और बरेली से ये काफ़ी दूर पड़ता है, तो मैं कहना चाहूँगा अभी जो APL कराकर सरकार हमारे लिए या जो हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख श्री यशवंत जी हैं उन्होंने क्या अच्छा किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक स्टेडियम का यहाँ निर्माण कराया जाए जिससे अभी यहाँ पे जो दर्शकों के लिए दिक्कत है, खिलाड़ियों के लिए दिक्कत हो रही है, यहाँ पर कुछ कोई जानबूझकर नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी दर्शक यहाँ पे मतलब छांव में बैठ रहे हैं तो फील्डर के लिए रोक बनना है। तो मैं कहना चाहूँगा मीडिया से और अपने यहाँ पे सरकार है और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और उत्तर प्रदेश सरकार योगी से भी कहूँगा कि हमारे यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभा निकलेगी वो आगे जाए, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। काफ़ी क्रिकेटर हैं जो उत्तर प्रदेश के जो नाम रोशन कर सके हैं, मैं कहना चाहूँगा कुलदीप यादव जी हैं और अभी उपदेश यादव जी हैं जो APL में खेल रहे हैं और कुलदीप यादव काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो निकले हैं यहाँ से, और मैं कहना चाहूँगा ऐसे ही और प्रतिभा निकलती रहे, यहाँ एक स्टेडियम बनाया जाए। और मैं मीडिया का आभार व्यक्त करूँगा जो हम लोगों के बीच आकर हमारे दिल की बात जानी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। देखिए और भी यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी हैं और भी जो क्रिकेटर आए हुए हैं, आइए हम उनकी भी राय जानते हैं, आखिर वो इस जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर उनकी क्या राय है। बड़ी संख्या में क्रिकेट के जो दर्शक जुटे हुए हैं आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे इस प्रोग्राम को लेकर, इस क्रिकेट प्रीमियम जो प्रोग्राम है उसको लेकर, क्या कहते हैं? क्या नाम? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खैलम की भी टीम बढ़िया लगी और मतलब बरेली की बहुत बढ़िया लगी, जिसकी बैटिंग देखो और मतलब बॉलिंग देखो, मतलब मुझे बल्लेबाजी बहुत बैटिंग खेलने वाले अच्छे लगते हैं और बॉलर भी बहुत बढ़िया लगते हैं। और मैं ये चाहता हूँ दोनों टीमें आपस में लड़ रही हैं, जो मतलब बढ़िया खेलेंगे सुंदर खेलेंगे वही मैच लेके जाएंगे। देखिए और भी यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं बड़ी ही उत्सुकता से, हम उनसे भी आप की, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोनू है। मोनू जी नाम बताओ। मोनू जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कब से देख रहे हैं आप? अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। लगातार देख रहे हैं? नहीं अभी अभी आए हैं। लगातार जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी तो आप कब से देख रहे हैं? सुबह से देख रहे हैं। जब से स्टार्ट हुआ है। कितना टाइम हो गया देखते हुए? बहुत टाइम हो गया। क्रिकेट आप देख रहे हैं तो किस लिए देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं मजे लेने के लिए। मजे लेने के लिए जी सर। क्रिकेटर नहीं बनना है आपको? बनना है, जरूर बनना है। बनना है। देखिए और भी जो क्रिकेटर हैं जो लोग देख रहे हैं हम उनकी भी आपकी बातचीत कराएंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। आज का मैच यहाँ देखते हुए बड़ा मजा आ रहा है। बहुत क्या कहना चाहेंगे आपको, लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनसे खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे खेलते रहें आगे बढ़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करें। बड़ा गांव। देखिए लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे आगे भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए बरेली देहात में।